फ्रेंड्स, मैं राजेश रणावत आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 16.1 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसे हम कैसे करें? तो देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है, मतलब हमें दिया हुआ है कि L प्लस बी प्लस एच, इन तीनों का योग 19, लंबाई चौड़े ऊंचे का योग 19 है। और क्या दिया हुआ है? विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ विकर्ण की लंबाई, अर्थात विकर्ण जो है वो आपको दे रखा है 11 सेमी का। ये दो चीज़ें प्रश्न में दे रखी है और पूछा घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया, एल प्लस बी प्लस एच 19। विकर्ण, अब विकर्ण का फॉर्मूला लगाओ आप, यहाँ विकर्ण का फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये विकर्ण का फॉर्मूला है। तो बराबर हमें दे रखा है 11, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? अब हमें इस रूट को हटाना है। इस रूट को हटाने के लिए इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट हटाओगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर, जैसे आप ये रूट हटाओगे इधर स्क्वायर बन जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर होता है 121। ये मैं इक्वेशन नंबर 2 इसको डाल रहा हूँ, यहाँ हटा देता हूँ, यानी हमें चाहो तो या फिर 2 लिखते हो तो फिर यहाँ 3 लिखना, और नहीं तो यहाँ 2 लिख कर यहाँ लिख दो, जो आपका इक्वेशन ये बन जाएंगे। अब क्या करना है? अब आप देखो ये स्क्वायर के मान आ चुके हैं यहाँ, तो हमें क्या करना है, इसमें भी स्क्वायरिंग करनी है, अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, वर्ग यानी होता है स्क्वायर, अंग्रेजी में बोलते हैं हम स्क्वायर, गणित में पावर 2 और हिंदी में बोलते हैं वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये वर्ग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ स्क्वायर का मान दे रखा है, तो इसलिए हम इनको भी स्क्वायर बदल रहे हैं। तो वर्ग कैसे करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो इधर भी स्क्वायर लगाओ इधर भी स्क्वायर लगाओ, तो इसटे बनेगी एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, और इधर 19 का स्क्वायर। अब आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा था ये फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये एक फॉर्मूला है, सूत्र है हमारा, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो क्या होगा? देखो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl, यानी इसको सोल्व किया स्क्वायर को तो ये बन गया बराबर में 19 का स्क्वायर, ये होता है 361, 19 का स्क्वायर 361। अब क्या करना है? तो ध्यान दीजिए, इन तीनों का मान 121 दे रखा है। देखो आप, इन तीनों का स्क्वायर कितना 121 है, तो इन तीनों की जगह आप 121 लिख दो, प्लस आप देखो इन तीनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बच गया? एल बी, यहाँ से 2 बार आ गया, क्या बच गया? बी एच, और यहाँ क्या बच गया? एच एल, इन तीनों में से 2 मैंने कॉमन निकाल के बाहर ले लिया है, बराबर में 361। अब 121 को देखकर दो पक्षांतरण, तो इधर जाएगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये तो यही रहेगा, 121 हम उधर भेज रहे हैं, तो 361 माइनस 121 घटाओ, अब इसको 1 से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 से 1 गया तो 2। अब ध्यान देखो ये किसका फॉर्मूला है, 2 एल बी बी एच एच एल, ये है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है, ये लिख दिया, इससे फॉर्मूला किसका? इसका है, तो हमने ये लिख दिया और ये सोल्व करने पर ही आया।
तो ये हमारा उत्तर ही है कि आप देखो 240 वर्ग सेमी, ये हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको बता देता हूँ मैं आपके सामने। यस, क्वेश्चन नंबर 7। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श, 6 मीटर भुजा की वर्गाकार फर्श है, फर्श कैसा है, वर्ग के आकार का है, ये इस प्रकार वर्ग जैसा, 6 मीटर भुजा उसकी, मतलब ये 6 तो ये भी 6 होगी, ये इस प्रकार ऐसा फर्श है के कमरे में, तो कमरे का जो फर्श है वो वर्गाकार है। इस कमरे में 180 घन मीटर हवा है, घन मीटर आयतन की कही होती है, थोड़ा ध्यान दें आप लोग, घन मीटर आयतन की कही है, इसका मतलब ये जो 180 घन मीटर है ये आयतन है, कमरे के अंदर हवा का आयतन, तो हमें आयतन का है 180 घन मीटर। अब कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो, हमें निकालनी है ऊंचाई, ऊंचाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, याद रखें आप, आयतन बटा लंबाई इंटू चौड़ाई, ये फॉर्मूला है। आयतन कितना है 180, लिख दो यहाँ, लंबाई चौड़ाई, आप देखो फर्श वर्ग होने की वजह से लंबाई भी 6 होगी चौड़ाई भी 6 होगी, तो यहाँ लिख दो 6 इंटू 6, अब काटो 6 3 18 10, 6 5 30, यानी जो ऊंचाई है वो होगी आपके 5 मीटर, ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा देखो 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। क्या पूछा है, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी कि ईंटों की संख्या पूछी है। जब भी संख्या पूछते हैं आयतन निकालना होता है, इस बात का हमेशा याद रखना, हमें क्या निकालना है, ईंटों की संख्या। जब भी हमें संख्या निकालनी किसी भी चीज़ की, तो हमें आयतन निकालना होगा। अब आप ये देखो कि ईंटें लगानी कहाँ है, ईंटें लगानी है दीवार में, तो फॉर्मूला बना रहा हूँ आपके सामने यहाँ, ये कि दीवार में लगानी, तो फॉर्मूला लिख दो यहाँ, दीवार का आयतन। अब दीवार में क्या लगानी, ईंट लगानी है, तो नीचे लिख दो एक ईंट का आयतन। किस में बटे हुए क्या, किस में क्या लगाना है, दीवार में ईंट लगानी है, तो दीवार का आयतन ऊपर आएगा, ईंट का आयतन नीचे आएगा। मान लो दीवार में पत्थर लगाने हैं, तो दीवार का आयतन बटे पत्थर का आयतन, इस बात का ध्यान दें। अब दीवार में लंबाई है, ऊंचाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ में आती है, इसलिए हमें घनाभ का आयतन होम लगेगा, ये एल बी एच, नीचे जो ईंट है ईंट भी घनाब होती है, इसलिए फॉर्मूला यहाँ भी एल बी एच होगा। बस फर्क क्या है, इन दोनों के नाप अलग अलग होंगे, ऊपर दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखनी है, तो लंबाई कितनी 44 मीटर, ऊंचाई 1.5 मीटर और चौड़ाई 85 सेमी है, जबकि नीचे जो ईंट की माप है वो 22 सेमी 10 सेमी और 17 सेमी है। ये सब सेंटीमीटर में होने की वजह से हम इनको भी सेंटीमीटर बदलेंगे, तो लंबाई 44 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, 44 मीटर में 4400 सेंटीमीटर होंगे, तो दीवार की जो लंबाई है वो भी 4400, 1 मीटर में 100 सेमी, तो 1.5 मीटर में 150, 1.5 का मतलब हो गया 150 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो तो वैसे ही आपको सेंटीमीटर में ही दे रखी है, चौड़ाई सॉरी, ये तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये लंबाई ये चौड़ाई ये ऊंचाई, इनको आप कैसे भी आगे पीछे लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब नीचे ईंट की माप, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 22, 10 और 17, अब बस इसको काट लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, 17 5 85 होते हैं, ये मैंने काट लिया, देखो 1 0 से 1 0 काट लिया, 22 2 44 और 2 0। अब ध्यान दें, गुणा कर लें, 5 को 2 से गुणा करो, 5 2 10 और 2 0 यानी 1000, 200 को मैंने 5 से गुणा किया कितना आएगा 1000, 1000 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15000,
तो मतलब 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी, 15,000 ईंटें, ये आपका आंसर कहलाएगा। तो इसे हम फटाफट निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान दें। यस, क्वेश्चन नंबर 9, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। कमरे में छड़ रखनी है मतलब हमें कनाप का विकर्ण निकालना है, अधिकतम हम इतनी लंबी छड़ रखते हैं कमरे में, ये बात ध्यान दें। प्रश्न में क्या लिखा है देखो, अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। अधिक से अधिक लंबी छड़ का मतलब है कि हमें विकर्ण ज्ञात करना है, तो मतलब घनाभ का विकर्ण निकाल लें आप। अब घनाभ का जो विकर्ण है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, और ये सब रूट के अंदर। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखो, 10, 8 और 6, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और रूट लगा दे रहे हैं। 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, 6 का 36, इनको जोड़ लें आप, ये सब जोड़ोगे तो आपके आएंगे 200। अब 200 रूट निकालना है, पूरा रूट तो निकलता नहीं है, तो इसको आप यूँ कर लो, 200 टुकड़े होते 10 × 10, 100 × 2, इनका गुणा करो 200 बन जाएगा। देखो 10 × 100, 100 × 2, 200, इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, इसका जोड़ा नहीं बना, ये रूट में रह गया, तो 10√2। अब रूट दो का मान लगभग आपके 1.414 होता है। अब पॉइंट वाली संख्या को 10 से गुणा करना है, 10 में कितना 0, 1 0 होता है, तो ये पॉइंट जो है वो एक स्थान इधर जाएगा, यानी इन दोनों गुणा करने पर आंसर आएगा 14.14। और ये मीटर में दे रखा हो तो मीटर लिख देवे, सेमी दे रखा हो तो सेमी, यहाँ मीटर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ भी मीटर लिखना है, तो ये घनाभ का विकर्ण कहलाएगा, ये आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात करो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यस ध्यान दें आप, घन का आयतन दे रखा है, तो यहाँ लिख दो घन का आयतन, घन का आयतन 512 घन मीटर, ये हमें दे रखा है, उसकी भुजा निकालनी है। तो कैसे करें अपन, घन का अगर आयतन दे रखा है तो घन के आयतन का ही फॉर्मूला आप अप्लाई करें। अब घन का आयतन होता है भुजा क्यों, भुजा क्यूब, इसका आयतन का सूत्र है ये। अब 512 किस चीज़ का क्यूब होता है, तो आपको बताऊँ जी, 8 का क्यूब, 10 तक क्यूब हमें याद होने चाहिए, मैंने आपको पहले कहा ये, आज फिर बोल देता हूँ कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, 512 किस चीज़ का क्यूब है, तो 8 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब कट गया तो भुजा जो है घन की वो आ गई आपके 8 मीटर, और हमें निकालनी क्या है, उसकी भुजा, बस ये आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेमी, 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेमी × 10 सेमी × 75 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी हमें क्या पूछा है, ईंटों की संख्या, कितनी ईंटों की आवश्यकता, मतलब ईंटों की संख्या। तो इसका प्रश्न हमारे पहले भी आ चुका है, किसी की भी संख्या निकालनी मतलब आयतन निकालना है। अब किसका आयतन, तो देखो दीवार में ईंटें लगानी तो दीवार का आयतन बटे हुए ईंट का आयतन, ईंटों की संख्या का फॉर्मूला बन जाएगा, दीवार का आयतन बटे हुए एक ईंट का आयतन। अब दीवार का आयतन, अब चूंकि दीवार घनाभ होती है तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, फॉर्मूला दोनों जगह यही लगेगा, बस माप अलग अलग होगी, ध्यान दें। चूंकि देखो ईंटों की नाप सेंटीमीटर में है, इसलिए मैं इन सब नापों को सेंटीमीटर बदलूंगा, तो 5 मीटर के हो गए 500, 30 सेमी बदला हुआ ये पहले से 3 मीटर का हो गया 300,
500, 30 और 3 मीटर का 300, और नीचे आ जाएगा 20, 10 और 75. 20 इंटू 10 इंटू 75. अब काट लीजिए, एक दो जीरो ये, तो देखो मैं ये दो जीरो चाहे इधर काटो चाहे इधर काटो एक ही बात है. तो मैंने ये दो जीरो काट ली, ये दो जीरो नीचे से, दो जीरो ऊपर से. अब काटिए आप 15 की पार से, 15 दुनी 30, 15 5 75, 5 से 5 पूरा कट गया. नीचे सब कट के देखो, ऊपर एक केवल 300 इंटू 2 अर्थात 600. तो 600 ईंटों की आवश्यकता होगी, ये हमारा आंसर होगा. अब लास्ट क्वेश्चन आप पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 12. इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है. यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात करो. कोर की माप मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है. अब प्रश्न में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात ये दे रखा है, तो जब भी आपको अनुपात देवे आप मान लीजिए, माना घनाभ की लंबाई 5 अक्ष, चौड़ाई 3:3 तो 3 अक्ष, ऊंचाई 2:2 है तो 2 अक्ष. लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप ये मान लेवे, अनुपात दिया तो 5 अक्ष 3 अक्ष 2 अक्ष मान लेवे. अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आप लिखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्षेत्रफल दे रखा है इसलिए हम क्षेत्रफल का ही सूत्र लगावें, मतलब जो चीज़ें हमें दे रखी फॉर्मूला उसके लगाओ आप. घनाभ का क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL बराबर में आ गया 558. अब आपको केवल मान भरने की जरूरत है, 2 LB 5 अक्ष इंटू 3 अक्ष प्लस B इंटू H 3 अक्ष इंटू 2 अक्ष प्लस H इंटू I 2 अक्ष इंटू 5 अक्ष बराबर में लिख दो 558. अब ध्यान दें, दो ऐसे इसको इससे गुणा कर लो, 5 3 15 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 2 6 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 5 10 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 558. अब क्या करना है ध्यान देवे, इन तीनों को हमें जोड़ना है. तो देखो 15 और 6 21, 21 और 10 31, 31 अक्ष स्क्वायर, तो ये 2 और यह लिख दिया ना 31 अक्ष स्क्वायर बराबर आ गया 558. 31 को आप 2 से गुणा कर लें तो ये आ गया 2 1 2 2 3 6 यानी कि 31 2 62 अक्ष स्क्वायर बराबर 558. अक्ष स्क्वायर का मान निकालना तो ये संख्या इसके बटे में जाएगी, 558 के नीचे क्या जाएगा 62. अब भाग देना है 62 का 558 में, तो भाग दे दीजिए, ये काटना हो तो काट लीजिए, मैं काट लेता हूँ. 2 से काटा 31 बार, 2 से काटो 2 2 4 बच्चा 1 15, 2 7 14 बच्चा 1 18, 2 9 18. अब देखो 3 9 27 1 9 9 यानी इसका इसमें भाग 9 बार जा रहा है, 31 का इसमें भाग दोगे 9 बार जाएगा, तो अक्स स्क्वायर के बराबर आ गया 9. अब जैसे स्क्वायर उठाओगे रूट लग जाएगा, 9 का रूट कितना होता है 3, प्लस माइनस 3, पर माइनस में कोई नाप नहीं होती इसलिए हमारा आंसर 3 कहलाएगा अक्स की वैल्यू. अब लंबाई कितनी है 5 अक्स, तो निकाल लो लंबाई 5 अक्स, अक्स का मान 3 है तो 5 3 15, चौड़ाई 3 अक्स तो 3 × 3 9, और ऊंचाई है 2 अक्स 2 × x का मान 2 × 3 6. अब चूंकि ये सब नाप
सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर में आएंगे, लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 9 सेमी, ऊंचाई 6 सेमी, ये हमारे इनकी कोरों की माप आ चुकी है और ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। क्योंकि पूछे ही क्या हमें कोरों की माप, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आशा करता हूँ ये 16.1 जो आपको है पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कीजिए। धन्यवाद।